नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवी चित्रलेखा जी के जीवन परिचय के बारे में। भारत भूमि अनंत कालों से पुण्यमयी, तपोमयी और महान विभूतियों की जन्मदाही रही है। युगों युगों से जब जब धरती पर धर्म की हानि हुई है, तब तब प्रभु की प्रेरणा से कोई ना कोई दिव्य आत्मा भूलोक में जन्म लेकर समाज को, विश्व को भक्ति व ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करती रही है, जिससे विश्व प्रकाशवान भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता रहा है। ऐसी ही एक दिव्य ज्योति हैं देवी चित्रलेखा जी। जिस उम्र में बच्चे बोलने मात्र के लिए माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, ऐसी कम उम्र में देवी जी कई सौ श्रीमद भागवत कथाओं का सफल आयोजन कर चुकी हैं। देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 में ब्राह्मण परिवार में गौर पार्षद भक्त प्रवर पंडित टीकाराम शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती चमेली देवी शर्मा के पवित्र गर्भ से भारत में हरियाणा राज्य के पलवल जिले के अंतर्गत पावन ग्राम खांबी में हुआ। खांबी ग्राम आदि वृंदावन ब्रज 84 कोस की परिधि में भी आता है। इस कारण से देवी जी को ब्रज भूमि के दिव्य संस्कार स्वतः ही प्राप्त हो गए। जन्म के उपरांत इस अलौकिक बालिका को देखने हेतु अनेक संत, महात्मा, पंडित दंपति के घर पधारे और भविष्यवाणी की कि यह अल्प व्यस्क चित्रलेखा जी एक दिन देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों को चकित कर देंगी। देवी चित्रलेखा जी की दीक्षा। देवी चित्रलेखा जी को मात्र 4 साल की उम्र में एक बंगाली संत श्री श्री गिरधारी बाबा महाराज से दीक्षा संस्कार हो गया। इनके परिवार में इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी पहले से ही भक्त रहे हैं। जब देवी जी मात्र 6 वर्ष की थी तो एक बार अपने माता पिता के साथ बरसाने में एक संत श्री रमेश बाबा महाराज के प्रवचन सुनने के लिए गई थी, तो उन बाबा महाराज ने देवी को अपने प्रवचनों के बाद देवी जी के हाथ में माइक देकर कुछ बोलने के लिए खड़ा कर दिया कि चलो देवी चित्रलेखा जी कुछ सुनाओ। तो चित्रलेखा जी हाथ में माइक लेकर करीब आधे घंटे तक प्रवचन बोलती रहीं, तो उस समय सभी वहां उपस्थित लोग भाव विभोर आश्चर्य से चकित हो गए। स्वयं श्री रमेश बाबा महाराज ने देवी जी को आशीर्वाद दिया व काफी प्रशंसा की, तो सभी लोग इस आश्चर्य को देखकर गदगद हो उठे। उसी दिन से सभी को ऐसा लगा कि चित्रलेखा जी भी प्रवचन कर सकती हैं। उसके बाद उनके गुरुदेव श्री श्री गिरधारी बंगाली बाबा ने प्रथम भागवत सप्ताह विधि विधान से वृंदावन के समीप तपोवन में, जहां पर कात्यायनी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, वहां पर भागवत कथा करने के लिए रख दिया। सभी लोग व इनके माता पिता घबरा रहे थे कि बाबा आप 7 दिन की श्रीमद भागवत सप्ताह मत रखो, 1-2 दिन का प्रवचन ही रख लीजिए, ये बालिका लगातार 7 दिन का भागवत सप्ताह नहीं कर पाएगी। परंतु उनके गुरु जी नहीं माने, दोनों बजा उठाकर बोले घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है कि ये 7 दिन का ही श्रीमद भागवत सप्ताह करेगी, क्योंकि श्री राधा रानी ने मुझे सपना दिया है कि यहाँ पुष्प वर्षा होगी। गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, यमुना नदी के किनारे तपोवन भूमि में श्रीमद भागवत सप्ताह रख दिया गया। जबकि यहाँ पर आसपास 2-3 किलोमीटर तक कोई गांव या घर नहीं थे, सभी सोच रहे थे कि यहाँ घोर जंगल में कथा सुनने कौन आएगा। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद व देवी चित्रलेखा जी की भक्ति के कारण वहाँ जंगल में 10,000 से भी अधिक श्रोता कथा श्रवण करने के लिए रोजाना आए और वहाँ सभी साधु संत भी इस कथा श्रवण करने पहुँचे। और तो और वहाँ पर देवी जी के हाथ से मोर, गाय रोटी दाना खाने व चुगने लगे, पशु पक्षी भी प्रसन्न हो गए। देवी चित्रलेखा जी की शिक्षा। देवी चित्रलेखा जी के परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कथा करता हो, प्रवचन करता हो या गाने बजाने वाला हो, जबकि देवी जी प्रवचन करती हैं, हारमोनियम भी बजाती हैं, वह भजन संकीर्तन भी करती हैं। 100 से भी ज्यादा रागों पर देवी जी महामंत्र का संकीर्तन करती हैं। इन्हें कहीं से भी कोई शिक्षा नहीं दी गई। देवी चित्रलेखा जी श्रीमद भागवत कथाओं के साथ साथ साधारण पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, जबकि उनके गुरुदेव श्री गिरधारी बाबा ने तो यह भी कहा था कि देवी जी को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पूर्व जन्म से ही पढ़ी हुई है। फिर भी लोकादृष्टि से देवी जी का स्वयं कहना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ाई करने सांदीपनी आश्रम में गए थे। देवी जी भारत के विभिन्न प्रांतों में श्रीमद भागवत कथा का प्रचार कर चुकी हैं, जैसे बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड आदि। और अब देवी जी द्वारा भारत के बाहर भी श्रीमद भागवत कथा का प्रचार, हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है, जैसे अमेरिका के विभिन्न राज्यों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, इंडियाना, फ्लोरिडा, बॉस्टन, इसके अलावा अफ्रीका और जल्दी ही इंग्लैंड भी जाने वाली है। देवी चित्रलेखा जी का उद्देश्य है भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम का देश में तथा दूसरे देश में प्रचार हो, गुरु आज्ञा से ही हरिनाम प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब तो देवी चित्रलेखा जी का विवाह माधव प्रभु जी के साथ सम्पन्न हो चुका है, जो की वह परिणय सूत्र में बंधने के बाद
अपना जीवन यापन सुखी पूर्वक कर रही है। मित्रों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को रेड बटन पर जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।